हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, यानी मांसपेशी संकुचन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से संकुचित यानी संकुचन होता है। इसके पहले मैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ मस्कुलर क्लासिफिकेशन इसके बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज जानते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन के बारे में, यानी हमारी मांसपेशियाँ कितनी प्रकार से कंट्रैक्ट होती हैं या संकुचित होती हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से कंट्रैक्ट होती हैं। कैसे? पहला है आइसोमेट्रिक स्टैटिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक यानी स्टैटिक, जो स्थिर रहता है, कोई इसमें गति नहीं होती है, जैसे इसमें सेम लेंथ होता है। ठीक है, और दूसरा है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, जिसमें सेम टेंशन यानी टोनिक सेम तनाव रहता है, इसमें लंबाई घटता है और बढ़ता है। नेक्स्ट है तीसरा है आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन, इसमें सेम स्पीड होता है, एक विशेष प्रकार से बनाई गई मशीनों के सहारे होता है। तो चलिए इन्हीं तीनों के बारे में ये कैसे काम करता है, किस तरह से होता है, जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक तीनों एक्सरसाइज यानी तीनों प्रकार के कंट्रैक्शन के बारे में इतनी आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक यानी स्टैटिक कंट्रैक्शन। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर, यानी जिसमें कोई गति न हो। ठीक है, यानी इसमें सेम लेंथ होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आइसोमेट्रिक में क्या होता है, सेम लेंथ, यानी इसमें लंबाई न घटती है न बढ़ती है। ठीक है, अब जहाँ पे देगा, यहाँ पे मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें न लंबाई बढ़ती है और न घटती है, तो आप क्या आंसर देंगे? आइसोमेट्रिक। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा। सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि आइसोमेट्रिक का मतलब होता क्या है। आइसो का मतलब होता है एक जैसा, यानी सेम। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी लंबाई। ठीक है, तो आइसो एक जैसा एंड मेट्रिक लंबाई, तो इसका अर्थ क्या हुआ, सेम लंबाई, यानी लंबाई में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, यानी कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होती है, जैसा कि इसको स्टैटिक बोला भी गया है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देते हैं, कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होती है। कैसे दिखाई नहीं देते हैं, इसके बारे में समझा रही हूँ। जैसे कि आप, आपकी क्षमता कितनी है, कितना आप वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो, 50 किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकते ना, इससे ज़्यादा भार रहेगा। मान लो 150 kg का कोई भार है, उसको आप उठाएंगे, जैसे कि चित्र में देख रहा है, मान लीजिए एग्जांपल शुरू की, ये डंबल 150 kg का है, आपके पास क्षमता तो है नहीं 150 kg उठाने के लिए, तो आप उसको उठाएंगे जरूर, जैसे चित्र में दिख रहा है कि ये उठा जरूर रहे हैं, बट उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं हो रहा है। देखने वालों को ये लग रहा है कि आपने इसको बस छुआ है, इसमें आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बस वो उठ नहीं रहा है। तो क्या हुआ, उसमें जो तनाव है सेम बना हुआ है, लंबाई भी सेम बना हुआ है, आपका मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी आप अपने ब्रिस्ट से ताकत लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए, बाइसेप्स पे ताकत लग रहा है, बट वो उठ नहीं रहा है, और देखने वालों को लग भी रहा है कि एक कोई मेहनत नहीं कर रहा है उठाने के लिए, बट देखने में कुछ और लग रहा है, देखने वालों को कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि एक कोई मेहनत कर रहा है उठाने के लिए, और कोई प्रत्यक्ष गति नहीं हो रही है, जैसे कि आप उसको उठाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, बट उसमें कोई गति नहीं हो रही है, वो थोड़ा भी हिल डुल नहीं रहा है वो वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार जो एपेसिया में दिखाई नहीं देती है, कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होती, यानी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता है,
यहाँ भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो जिस एक्सरसाइज में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई गति नहीं होती है, तो आप क्या आंसर देंगे? आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें आप इसमें क्या देखें, इसको उठाने में पेशियों में लंबाई में कोई बदलाव नहीं आया, मसल्स कंट्रैक्ट थोड़ा बहुत हुआ जरूर, आप मेहनत कर रहे हैं, उठ नहीं रहा है, बट आपका मसल्स कंट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो लंबाई में न वृद्धि हुई न कम हुआ, तो सेम लंबाई और शरीर में कोई हलचल नहीं, मतलब एकदम स्टैटिक, एकदम स्थिर है, शरीर में कोई हलचल नहीं हो रहा है। और तनाव में बदलाव, तनाव में बदलाव हो सकता है, जैसे कि आप कम ताकत लगा रहे हैं, ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो तनाव में बदलाव इसमें जरूर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट निकल के आया है जो आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि सेम लेंथ, जिसमें सेम लंबाई होती है उसमें न लंबाई बढ़ती है न घटती है, और जिसमें कोई गति नहीं होती है, ठीक है, और तनाव में बदलाव होता है, तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सेम लंबाई मतलब एक जैसा लंबाई, कोई गति नहीं, और तनाव में बदलाव, ये तीनों चीज़ जिसमें मिले उसका आंसर होगा आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है जैसे कि दीवार को धक्का मारना, जैसे कि आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मांसपेशी की मसल्स की जो लंबाई है न बढ़ रही है न तो घट रही है, ठीक है, और तनाव जो है वो बना हुआ है, तनाव में आप जितना ताकत लगाएंगे उसके हिसाब से तनाव घट बढ़ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है दीवार के खिलाफ एक पोजीशन स्थिति में बैठने की स्थिति, ठीक है, ब्लैंक यानी कि एल्बो के जरिए लेटते हैं, जैसे दोनों एल्बो को जमीन पर टिका लिए, उसके सहारे आप लेटे हैं, ठीक है, और रुकी हुई भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, जैसे कि बहुत भारी वस्तु है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसमें भी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ रही है न घट रही है, ठीक है, तो इसलिए आइसोमेट्रिक में सेम लंबाई, कोई प्रत्यक्ष गति नहीं यानी कोई मूवमेंट नहीं, और तनाव में बदलाव, तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है यानी दूसरा है आइसोटोनिक कंट्रक्शन, यानी इस प्रकार की कंट्रक्शन यानी मांसपेशी संकुचन में यानी एक्सरसाइज में क्या होता है कि सेम टेंशन यानी सेम तनाव होता है इसमें, जैसे कि मैंने आइसोमेट्रिक में क्या बताया था, सेम लंबाई, न लंबाई बढ़ती है न घटती है, जबकि आइसोटोनिक में क्या होता है कि इसमें तनाव सेम रहता है, लंबाई घटती है और बढ़ती है, लंबाई में बदलाव होता है, तो कैसे होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, आइसो का मतलब सेम होता है, ये तो मैंने बता दिया, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, एंड टोनिक का मतलब क्या होता है टेंशन यानी तनाव, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सेम तनाव, इस प्रकार आइसोटोनिक का मतलब हुआ सेम तनाव, ठीक है, यह इसमें क्या होता है कि पेशियों की लंबाई में बदलाव होता है, तनाव तो सेम रहता है और पेशियों की लंबाई में बदलाव होता है, यानी पेशियां छोटी या लंबी होती हैं, ठीक है, और तनाव जो होता है अपरिवर्तित होता है, यानी तनाव में कोई बदलाव नहीं होता है, तो तनाव सेम होता है। यहाँ पे आइसोटोनिक कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले इस प्रकार से पूछ सकता है कि वो कौन सा मांसपेशी एक्सरसाइज है जिसमें तनाव अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे आइसोटोनिक। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि वो कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें मांसपेशियां की लंबाई में बदलाव होता है यानी घटती बढ़ती रहती है, तो आप क्या आंसर देंगे आइसोटोनिक। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज यानी आइसोटोनिक कंट्रक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, दो रूप से वो कंट्रैक्ट होता है, कैसे, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन। कंसेंट्रिक कंट्रक्शन में क्या होता है कि मांसपेशी की लंबाई घटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मैं डंबल के माध्यम से एग्जाम्पल देंगू, तो कंसेंट्रिक मतलब संकुचन, कंसेंट्रिक मतलब संकुचन, संकुचन होते समय मांसपेशी की लंबाई क्या होती है घटती है, ठीक है, एंड जब इसेंट्रिक यानी प्रसारण होती है तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, जाहिर सी बात है, तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन में मांसपेशी की लंबाई क्या है घटती है, और तनाव जो है सेम रहता है, कैसे रहता है,
जैसे कि आपका डंबल जो है 25 केजी का है, ठीक है, और 25 केजी का है डंबल, तो उसको आप ऊपर उठाएंगे तो 25 केजी का ही अगर बल लगाएंगे तो वो ऊपर उठेगा नहीं, यानी 25 से ज्यादा लगाएंगे तब तो, या 26 का बल लगाएंगे या 27 का बल लगाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 26 का आपने बल लगाया 25 केजी के डंबल को ऊपर उठाने के लिए, तो आपका तनाव क्या हुआ, आपने 26 का तनाव लगाया, बल लगाया, यानी तनाव तो सेम हुआ ना, तनाव सेम हुआ, यानी 25 केजी के डंबल को उठाने के लिए आप 26 केजी का बल लगा करके उसको ऊपर उठा रहे हैं तो तनाव सेम हुआ। इस प्रकार ये पेशी की लंबाई जो है, पेशी क्या कंट्रैक्ट हो गई और पेशी की लंबाई घट गई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कंसेंट्रिक कंट्रक्शन में पेशी की लंबाई घटती है एंड तनाव जो है वो सेम रहता है, तनाव में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसे पेशी की लंबाई घटती है, तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कौन सा एक्सरसाइज है कि पेशी की लंबाई घटती है बट तनाव सेम रहता है, तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। अब देखते हैं इसेंट्रिक कंट्रक्शन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई बढ़ती है, यानी ये कंसेंट्रिक के जस्ट विपरीत होता है, ठीक है, यानी इसमें तनाव सेम रहता है, सब में तनाव सेम रहता है लेकिन लंबाई इसमें बढ़ती है बस, ठीक है। तो कैसे बढ़ती है, जैसे कि हम कंसेंट्रिक में ऊपर उठाए थे डंबल्स को, 25 केजी को डंबल्स को हम ऊपर उठाए, तो 26 केजी बल लगा करके ऊपर उठाए, लेकिन अगर हम उसको नीचे करेंगे तो उससे कम बल, यानी 25 केजी का डंबल है तो 24 केजी का बल लगाएंगे तो वो नीचे आएगा ना, यानी वो अपने आप नीचे आ जाएगा। 24 केजी का बल लगाएंगे 25 केजी के डंबल को तो वो नीचे आएगा, यानी वो विस्तार हो जाएगा पेशी का, और वो क्या होगा, लंबाई जो है पेशी की बढ़ जाएगी, बट तनाव क्या है, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, क्योंकि 25 केजी के डंबल को 24 केजी का बल लगा करके, उससे कम बल लगा करके हम डंबल को नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ जो तनाव है वो सेम है, मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कंसेंट्रिक इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, यानी आइसोटोनिक दो प्रकार के कंट्रैक्शन होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एग्जांपल मैं इसमें देती हूँ, जो डंबल अभ्यास है जिसके माध्यम से मैंने समझाया है कि मांसपेशी का डंबल को ऊपर खींचना नीचे खींचना, ये डंबल अभ्यास में हो गया, मांसपेशी बढ़ती है, मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है और घटती है, ठीक है। पुलअप्स हो गया, फ्लेक्स आर्म हैंग हो गया, स्क्वेटर्स हो गया, ये सब क्या है, ये आइसोटोनिक कंट्रक्शन के एग्जांपल्स हैं, जिसमें से कंसेंट्रिक कंट्रक्शन एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन आते हैं। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होता है, तो आइसोटोनिक कंट्रक्शन। वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें मांसपेशियों जिसमें तनाव अपरिवर्तित रहता है, यानी तनाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आइसोटोनिक कंट्रक्शन। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें पेशी की लंबाई घटती है और तनाव सेम रहता है, तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। फिर इस प्रकार से पूछ सकता है जैसे कि वह कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है और तनाव सेम रहता है, तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता है, बस इतना ही आप ध्यान रख लीजिए आइसोटोनिक में कि सेम टेंशन यानी सेम तनाव और लंबाई का घटना बढ़ना, बस इतना याद कर लीजिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट है, यानी तीसरा है आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन, यानी आइसोकाइनेटिक प्रकार के एक्सरसाइज में किस प्रकार का कंट्रक्शन होता है, कैसे होता है, इसमें सेम स्पीड होती है, यानी स्पीड क्या मतलब गति जो होती है वो सेम होती है, कैसे होती है इसको आगे बता रहे हैं। जैसे कि इसका आविष्कार जो है 1968 में जेम्स पेराइन ने किया था, किसने किया था, हो सकता है पूछ सकता है कि इस टॉपिक से भी पूछे कि आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन का आविष्कार किसने किया था, तो 1968 में जेम्स पेराइन ने किया था, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं, आइसो का अर्थ होता है
सेम। एंड काइनेटिक का अर्थ होता है मोशन यानी गति, यानी आइसोकाइनेटिक का अर्थ क्या हुआ, सेम गति यानी एक समान गति, इसमें जो गति होती है एक समान बनी होती है, ठीक है। अब पेशियों की लंबाई जो है घटती है फिर बढ़ती है, यह क्रम चलता रहता है और पेशियों में तनाव जो है वो भिन्न रहता है। और यह क्या होता है, विशेष प्रकार की डिजाइन की गई मशीनों पर किया जाता है, और एक ये अपने आप होती है मशीनों पर एक्सरसाइज करने से, आप कितना भी प्रयास करेंगे उसको बदलने के लिए, जो उसकी क्या कहते हैं डिजाइन है मशीनों की उसी प्रकार से वो गति कराएगा, ठीक है। यानी पेशियों की लंबाई घटती है फिर बढ़ती है, और ये स्पीड मतलब एक समान बना रहता है, कैसे, जैसे कि जो मशीन है आपको ऊपर उठाते समय 2 मीटर प्रति सेकेंड का समय लगा रहा है, नीचे भी आते समय उतने ही क्या कहते हैं समय लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार वो सेम इसमें गति होती है, स्पीड उसमें जो होती है सेम होती है, और तनाव पेशियों में तनाव भिन्न होता है, क्यों भिन्न होता है, क्योंकि इसमें वेट जो होता है घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसमें तनाव क्या कहते हैं भिन्न रहता है। और ये जो होता है इसमें ट्रेडमिल, बाइसिकल, एर्गोमीटर, इस प्रकार के एक्सरसाइज आते हैं। ये नहीं आप कोई वस्तु उठा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भारी वस्तु उठा करके, जैसे कि मान लीजिए डंबल ही उठा कर कर रहे हैं, तो वो आइसोकाइनेटिक में नहीं आएगा, क्योंकि ये विशेष प्रकार की एक मशीन नहीं है, ठीक है, वो आइसोटोनिक में आएगा। तो इस प्रकार आइसोटोनिक में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कि सेम स्पीड और पेशियों में तनाव भिन्न होता है, और पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। पेशियों की लंबाई जो है पहले घटती है फिर बढ़ती है, यानी एक क्रम चलता रहता है। तो सेम स्पीड, पेशियों में तनाव भिन्न, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, ठीक है, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। तो इसमें ट्रेडमिल, बाइसिकल, एर्गोमीटर, बहुत सारे एक्सरसाइजेज आ जाएंगी जो मशीनों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक मसल्स कंट्रक्शन यानी मसल्स एक्सरसाइज, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डाउट में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इससे आगे मैं मसल्स की गति मतलब कार्य क्या है, जैसे फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन, इस सब क्रियाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और फिर स्केलेटल मसल्स कैसे कार्य करती है, एंड स्लाइडिंग फिलामेंट्स क्या है, इस सब के बारे में बताने के बाद, यानी कि फिज जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसके सारे पॉइंट एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगी, उससे के बाद की फिजियोलॉजी यानी गति विज्ञान में जितने टॉपिक है उसको क्लियर करूंगी, उसके बाद जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है उन सबके व्याख्यात्मक अध्ययन इसमें मैं करा रही हूँ और कराऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे जो भी मैं नेक्स्ट टाइम नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।